हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द लविंग गोर्खा जोजो। सो आज द लविंग गोर्खा जोजो 14 पोल्ट्री इंडिया 2022 एग्जीबिशन पे आया हूँ और बहुत सारे यहाँ पर लोग आए हैं, बड़े बड़े लोग जो है, और यहाँ पर जितना भी आए आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे में बहुत सारे लोग हैं और जाने माने हस्ती, बहुत बड़ा बड़ा लोग हो गया। और ख़ास करके यहाँ पर क्या है कि जो जितना भी पोल्ट्री का बहुत बड़ा बड़ा मशीन वगैरह हो गया और पोल्ट्री में कैसे बिजनेस करें इसके विषय में है यहाँ पर। और हॉल नंबर 1, 2, 3 तीनों हॉल में बड़ा बड़ा मशीन लगे हैं, अभी अंदर जाने के लिए ऐसे लेना पड़ेगा विजिटर के लिए कार्ड। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तो आगे आके तब भी देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हैं। तो हम लोग चलने वाले हैं, मैं अभी अंदर में, तो अंदर जाने के बाद देखते हैं पोल्ट्री के अंदर बड़ा बड़ा जो मशीन वगैरह हो गया, पोल्ट्री का जैसे कंसल्टेंट जैसे भी हो गया ये वगैरह हो अंदर। तो अभी विजिटर पास पूरा लाइन लगने के बाद में अभी मुझे मिल गया यहाँ पर, और उसके बाद में आपको चलते हैं अंदर। तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर कितना क्राउड है आज। तो आप लोग देखिए देखिए यहाँ पर पोल्ट्री फार्म का जो लिखा है, लार्जेस्ट पोल्ट्री एग्जीबिशन इन साउथ एशिया हाईटेक्स एग्जीबिशंस। सो बहुत सारे क्राउड है यहाँ पर, बहुत सारे क्राउड लगा है यहाँ पर, इतना सारे क्राउड है आप लोग देख सकते हैं। और आज टिकट तो नहीं है, लेकिन जो विजिटर पास बनते हैं, विजिटर पास बनने के लिए बहुत सारे लाइन लगे हुए थे यहाँ पर बहुत आगे से। ये देखिए आप लोग, तो लेट्स चलते हैं अंदर, कैसे अंदर देखेंगे अंदर जाने के बाद। प्लस ये रहा आपका जो लार्जेस्ट पोल्ट्री फार्म का है यहाँ पर जो बहुत बड़े लगे, तो एक नंबर जो हॉल है यहाँ से चलते हैं अंदर। तो यहाँ से हम लोग जाने के बाद अंदर में जितना भी है देखेंगे, अगर बहुत सारे क्राउड है यहाँ पर। और जो पोल्ट्री फार्म के लिए जो लगा यहाँ पर ऐसे ये लगा हुआ, और बहुत बड़े लोग आए यहाँ पर, इतना सारे पोल्ट्री फार्म के लिए है यहाँ पर। और हम लोग को तो इतना समझ में भी कहाँ आता है, लेकिन जितना भी है यहाँ पर जो लोग आए, बिजनेसमैन लोग, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के लिए ऐसे पूरा देखा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्रांड लगे हुए यहाँ पर रहा। और जो मशीन के देखते हैं आगे जाने के बाद में कितना, ये बहुत बड़ा सा मशीन है यार, ये मैंने कभी देखा नहीं था। यहाँ से अभी जो आप लोग को जो पोल्ट्री फार्म में आते हैं ये देखिए, और ये रहा मशीन, यहाँ से कैसे चलते हैं ये मशीन पता नहीं है। और इसका क्वालिटी सिस्टम वगैरह लिखा हुआ है प्राइवेट का, आप लोग देख सकते हैं आराम से, यहाँ पर लिख के रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये बहुत ही बहुत बड़ा है, इसका मशीन का प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये मशीन का जितना भी प्राइस है और प्राइस बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इसका तो अभी हम लोग उसके कुछ काम तो नहीं है, तभी भी ये मशीन के बारे में आप लोग को क्या बता सकता हूँ मैं एक। तो ये रहा मशीन, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा मशीन है, देखिए क्या मशीन है। यहाँ से चूजे वगैरह, चल्ला वगैरह निकलते हैं यहाँ पर, जैसे कि अभी यहाँ पर लगाया हुआ फोटो में देखे, अंडा निकलता है, बच्चा निकलता है चल्ला, तो ये सारे यहाँ पर निकल सकते हैं। तो आप लोग आगे भी देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये मुर्गी पालन के लिए यार, मुर्गी पालन के लिए यहाँ पर सब पूरा। और यहाँ से हम लोग अंदर जा सकते हैं अंदर आराम से इजी, और यहाँ पर जितना भी मुर्गी पालन के लिए जो सामान रखा हुआ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये रहा कैसे मुर्गी पालन करना, ये मतलब मुर्गी पालन है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका जितना भी है ये रेट वगैरह हो गया, ये कैसे हो गया यहाँ पर, बहुत सारे है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग, है ना, बहुत सारे यहाँ पर। तो दोस्तों चलते हैं फिर आगे दूसरे की तरफ, देखिए बहुत सारे मशीन लगा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है, और बहुत बहुत महंगा भी है मशीन। और देखिए मेरे पीछे में देखिए इतना बड़ा मशीन लगा हुआ है यहाँ पर, ये मशीन तो क्या करते हैं, इसका कुछ काम मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन एक बार पूछ लेते हैं इस मशीन का काम क्या है, और इस मशीन का प्राइस क्या है, इस मशीन से होता क्या है। एक्सक्यूज़ मी,
क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? ये मशीन का नाम क्या है? ये पैलेट मिल है। हाँ जी, पैलेट मिल। पैलेट मिल मतलब ये मशीन से क्या काम होया जाता है? इससे जो मुर्गी को दाना देते हैं वो बनाने का मशीन। बनाने की मशीन। इसका प्राइस कितना होता होगा? ये नाइन्टी सेवन लैक्स कॉम्प्लेटेड। अच्छा, थैंक यू। तो ये रहा मशीन, जो दाना बनाने वाला जो मशीन होता है मुर्गे का, तो इसका 97 लाख है। सो इसका प्राइस मैं तो फर्स्ट टाइम देखा ये यहाँ पर, ये जो मशीन है, तो इसलिए मैंने आज ये मशीन के लिए देखा था तो आ गया। बहुत ही अद्भुत मशीन है और हम लोग को तो कुछ इसके बारे में कुछ पता है नहीं, लेकिन जो भी है आप लोग देख सकते हैं पीछे में जो मेरा पास लगा हुआ है मशीन, तो आप लोग कहाँ के देखा सकता हूँ फिर मैं जाने के बाद में। यहाँ पर आए बहुत सारे, तो एक राउंड लगाने के बाद में कैसे। हेलो, कैसे आपका नाम क्या है? नाम क्या है? नेम क्या है? राहुल। राहुल। योर नेम? माय नेम जोजो। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम सिक्किम। सिक्किम? यस। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू ब्रो, थैंक यू सो मच। और एक भाई मिल गए यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे उनको मिल के। तो पूछा मुझे क्या है कैसे, तो हम लोग अभी चल सकते हैं आगे की तरफ एक बार। हाँ, एक बार आगे की तरफ चल सकते हैं। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ रहा अभी निकलने की जगह, मुझे दो नंबर तीन नंबर पे जाना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर एक दिखा सकते हैं, मैं यहाँ पर जो एक बहुत बड़े से मेरे पीछे में जो कंपनी लगा है, ये है ना, बहुत सारे बड़ा कंपनी लगा हुआ है यहाँ पर एक ठो। बहुत अच्छा लग रहा है मुर्गा पालन करने के लिए। यहाँ पर जितना भी है आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर, और मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है लेकिन आप लोग को ज़रूर बता रहा हूँ मैं। तो आप लोग जितना भी बिज़नेस करने लगे हैं पोल्ट्री के लिए बिज़नेस करना चाहते हैं आप लोग, तो आके कुछ भी सामान आप लोग ले सकते हैं। और जो हमारा एक मेरा फ्रेंड मिल गया एक, मुझे भी अच्छा सेम है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? यू वांट टू एनी टॉक? नो 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 नो। ओके, तो आप लोग बेस्ट फ्रेंड, एंजॉय द डे। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जो हम लोग का एक था, मुझे मिला था अंदर, बहुत अच्छे नेक अच्छा मिला मुझे। जो अभी यहाँ से मैं बाहर की तरफ जाने वाला हूँ, तो जितना भी था हमने यहाँ पर अभी कर लिया हूँ। यहाँ पर अभी जितना भी था, जितना भी हम लोग को यहाँ था, और मैंने जितना फोटोग्राफ करना था जितना करना था, अब तो मुझे दूसरे जगह भी जाना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ आगे जाने के बाद देखते हैं। तो यहाँ से अभी निकल के एक नंबर जो है हॉल, एक नंबर हॉल से निकलने के बाद अभी हम लोग जाएंगे दो नंबर तीन नंबर हॉल के ऊपर, तो दूसरे जगह देखेंगे। बहुत सारे क्राउड है यहाँ पर, तो अभी मैं बाहर निकलने वाला हूँ। तो ये देखिए कितना सजा के फ्लावर्स का जो मुर्गी का यहाँ बनाया हुआ है पोल्ट्री का, कितना बढ़िया सजाया। ये रहा ए बी विस्ता जो कंपनी है यहाँ पर, ए बी विस्ता, उसने एक इतना शानदार सा एक यार बहुत बढ़िया सा मुर्गी सजा के रखा हुआ फ्लावर से यार। और यहाँ पर जो और यहाँ पर जितना भी लोग आए, बहुत सारे लोग आए यहाँ पर, इतना भी और बहुत सारे लोग आए, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर पड़ा हुआ है ना, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग। तो चलते हैं आगे, फिर आगे जाने के बाद देखते हैं, आगे भी दिखाता हूँ आप। देखिए एक नंबर से अभी जो हॉल है, एक नंबर का जो एक नंबर हॉल से निकलने के बाद में मैं अभी चला दो नंबर की हॉल की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यार, बहुत सारे क्राउड है यार, बहुत सारे क्राउड है। और देख सकते हैं दो नंबर में भी बहुत सारे क्राउड है। तो लेट्स पोल्ट्री के लिए जो दो नंबर हॉल है, दो नंबर की तरफ भी चलते हैं। तो चलते हैं दो नंबर की तरफ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ये है दो नंबर हॉल है ना, तो दो नंबर हॉल के अंदर आप लोग देख सकते हैं, जो एक नंबर का जैसा नहीं है यहाँ पर। तो आप लोग दो नंबर हॉल की तरफ चलो, तो आप लोग इसकी तरफ से दिखा रहा हूँ ये मशीन का क्या क्या बैरिंग लगा हुआ है यहाँ पर। ये जो मशीन का बैरिंग लगा हुआ है यहाँ पर बहुत बढ़िया सा,
और यहाँ पर लगा हुआ है बहुत एक कंपनी का नाम है कैरिंग बैटरी इंजेक्शन, अच्छा इंजेक्शन के लिए यहाँ पर, और बहुत सारे यहाँ पर देखिए आप लोग मास्टर और बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर, और पोल्ट्री फार्म के जितना भी है, पोल्ट्री एग्जीबिशन का जितना भी है यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं यार बहुत ही अलग टाइप का है। तो यहाँ पर जो है डायना GR ग्रुप का, जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डायना GR ग्रुप का है। बहुत सारे यहाँ पर पोल्ट्री बोले तो अभी जैसे कि फार्मर जो करते हैं, मुर्गा पालन हो गया और गाय पालन हो गया, जितना भी इसके लिए ये एग्जीबिशन लगा हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारे लगा हुआ है यहाँ पर। तो हम लोग अभी यहाँ पर जितना भी आप लोगों को मैं दिखाते जो एग्जीबिशन लगा हुआ है यहाँ पर, एग्जीबिशन की ओर से आप लोग को दिखाते निकला हूँ, और बहुत सारे कस्टमर लोग भी आए यहाँ पर खरीदने। बड़ा बड़ा मतलब पोल्ट्री जो बिजनेस करते हैं फार्मर हो गया, तो और ये देखा कारागिरी यार इंजीनियर लोग का जो कारागिरी है, देख रही है बहुत से अद्भुत दिखा ना, ये ऊपर से भी देख सकते हैं बहुत बड़े ऐसा मशीन लगा हुआ है यार ये, लेकिन ये प्लाई का लकड़ी का बना हुआ मशीन है ये, लेकिन बहुत देखने में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और आप लोग देख सकते हैं ये किस चीज़ का शायद ये भी इसी का मशीन होगा शायद, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो मैं ये मशीन का ही फोटो खींचने के लिए आया था, मशीन का जितना भी करने के लिए आया था, तो अच्छा लग रहा है यार मुझे भी बहुत सारे। और ये रहा ऊपर जो कंपनी का नाम है, और बहुत ही अद्भुत एक अच्छा सा इंजीनियरिंग का जो काम है यहाँ पर कर रखा हुआ है, यहाँ पर जो है ना इंजीनियर का जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पर बहुत सारे बढ़िया सा लिखा है प्राइवेट लिमिटेड का। तो आप लोग देख सकते हैं यार बहुत ही अभी मशीन है, ये तो लोहा है यार, बहुत बड़ा लोहा है, और यहाँ से चलते हैं बाहर की ओर। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बहुत सारे लगे हैं, बहुत सारे लगे हैं यार मशीन, और यहाँ तो हम लोग के, लेकिन मैं तो अभी इसी मशीन देखा भी नहीं था, और यहाँ पर जब मैं आया अंदर घुस गया मैं जितना भी हो गया, तो यहाँ पर जो पोल्ट्री फार्म का हो गया मुर्गा मुर्गी, उसके बाद में क्या 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 ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो अभी घूमते हम लोग यहाँ पर थक भी जाते हैं, क्योंकि तीन जगह पर एग्जीबिशन लगा हुआ है यहाँ पर। तो चलो यहाँ से अंदर की तरफ और बाहर की तरफ हम लोग अभी एक राउंड से निकलने वाला है। तो खुशी मुझे अभी 2 नंबर घूमने के बाद में फिर 3 नंबर भी पहुँचना है, 3 नंबर पहुँचने के बाद में 3 नंबर जो हॉल है तो वहाँ भी पहुँचने के बाद में हम लोग को करना पड़ेगा वीडियो स्टूडियो वगैरह शूट वगैरह जितना भी है उधर भी करना पड़ेगा। ये क्या है ये तो मालूम नहीं है, फार्म के लिए है। तो कुछ यहाँ पर सैंपल वगैरह ऐसे दिखाया हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग को समझ के बाहर है ये तो कुछ पता नहीं है मुझे, लेकिन मेरा समझ से तो बाहर है। ये देखो ऐसे मुर्गी निकलता है, और ऐसे बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ से अभी हम लोग निकलने वाले हम बाहर, तो लेट्स चलते हैं बाहर फिर, और उसके बाद से हम लोग फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना सारे क्राउड है, अंदर जाएंगे तो बहुत क्राउड है, और क्योंकि यहाँ पर आज पोल्ट्री का जो एग्जीबिशन लगा था, तो यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग आए हैं आज। तो ये विजिटर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो गेट है यहाँ पर, जो एक दो बहुत सारे लगे, लेकिन बहुत सारे क्राउड था सुबह। अभी मैं जाने वाला हूँ जो ये जो 3 हॉल है, हॉल के अंदर जाने वाला हूँ मैं अंदर। तो देखते हैं 3 हॉल के अंदर है क्या, तो चलो लेट्स चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, तो अभी चलते हैं हॉल के अंदर। यहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं यहाँ फोटो खींच रहा था, तो लार्जेस्ट पोल्ट्री का अंदर 3 में चलते हैं अभी अंदर। तो जितना भी यहाँ पर चलने से पहले जो लार्जेस्ट पोल्ट्री एग्जीबिशन साउथ एशिया का जितना भी यहाँ पर लिस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर इतना सारे से,
और आप लोग देख सकते हैं जितना भी नाम है यहाँ पर, जितना भी लोगों का नाम है, पॉलिटिशियंस यहाँ देख सकते हैं। तो हम लोग अभी 3 नंबर के हॉल नंबर 3 के अंदर घुस रहे हैं। क्या अंडा निकल के हो गया यहाँ पर बहुत सारे हेयर, ऐसे मशीन तो मैंने कभी देखा भी नहीं था कभी भी। लेकिन यहाँ पर एग्जीबिशन जब लग गया तो एग्जीबिशन लगने के बाद में जो आज देखने को मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं आप लोग का जितना भी यहाँ से अंडे निकाल रहा होगा। और ये है क्या चीज़ यार, ये है क्या कुछ पता नहीं है मुझे, लेकिन आप लोग को ज़रूर वीडियो में बताऊंगा, दिखाऊंगा। शायद बोरिंग वाटर पानी का लगते हैं ये जो लिखा हुआ यहाँ पर, ये है। और ब्रेक स्ट्रीमर जो एक है यहाँ पर, उसका ब्रांड जो है यहाँ पर लिखा हुआ। तो यहाँ पर चलो अंदर के ओर चलते हैं। और बहुत सारे यहाँ पर लोग ने इन्वेस्ट भी कर रखा है, बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टर लोग आया है यहाँ पर बहुत इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ से एक राउंड लगा के छोटा छोटा कंट्रोल बना हुआ है, छोटा छोटा कंट्रोल मतलब एक छोटा छोटा ऑफिस जैसा बना हुआ है यहाँ पर। और जो ऑफिस ऑफिस में अपना अपना जो प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट बेचते हैं यहाँ पर। और ये रहा इंजीनियर करने से, अरे बहुत बढ़िया यार ये तो। आप लोग देख सकते हैं ये इसका जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रांड का, और बहुत ही मजबूत यार, बहुत ही बढ़िया सा मशीन है ये। और आप लोग तो देखो ये मशीन रहा यहाँ पर, ये जो अंडा पैदा करता है, जो यही मशीन है जो अंडा पैदा करने के लिए, देखो यहाँ पर अंडा पैदा कर रहा है। देखा ये नीचे देख सकते हैं आप लोग, ये अंडा निकलता है, अंडा निकालने के बाद बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद दूसरा। तो यहाँ पर अंडा निकालने वाला मशीन रहा तो एक ठो, और ये तो एक अजीब है, अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। और शायद इसके लिए कुछ प्रोडक्ट वगैरह चाहिए होगा यहाँ पर। तो ये अंडे वगैरह डेमो वगैरह का रखा हुआ है यहाँ पर बहुत सारे, और भाई लोग यहाँ का एम्प्लॉयज है, सो अच्छा लगा, थैंक यू। और यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा लोग है यार आया हुआ, आज इतना बड़ा बड़ा लोग आया हुआ है यहाँ पर। तो आप लोग को दिखाऊंगा मैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ है आज का दिन, तो आप लोग को मैं दिखा सकता हूँ। ये देखो जो मेरे पीछे में है यहाँ पर, इतना बड़ा बड़ा जो पोल्ट्री फार्म के लिए जो काम लगते हैं चलते हैं यहाँ पर, नीचे भी पड़ा हुआ। ये क्या चीज़ है कुछ पता तो है ही नहीं मुझे, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ें है। आप लोग देख सकते हैं यार यहाँ पर घूम के पूरा राउंड की तरफ, तो हम लोग चल सकते हैं। फिर उस तरफ एक मशीन दिखा हुआ मुझे, तो लेस्ट उस तरफ चलते हैं, तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पर मशीन बहुत है, अद्भुत अद्भुत मशीन है। और यहाँ पर एक देखते हैं मशीन के लिए, ये रहा मशीन इक्विपमेंट पोल्ट्री का इक्विपमेंट का जो जो मशीन है यहाँ पर, पोल्ट्री इक्विपमेंट का जो मशीन है ये बहुत अद्भुत, इसका रेट भी बहुत ज़्यादा होगा। एक्सक्यूज मी, हाउ मच दिस कॉस्ट? तो इसमें अच्छा काम भी चलते है इसमें जो है के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जो यहाँ पर जो मशीन लगा, जो हम लोग का हैदराबाद का ब्रांड है ये, तो बहुत सारे यहाँ पर है, तो लोग सारे बहुत सारे बोर्ड आया है यहाँ पर। और ये रहा अंडे का, तो ठीक है बहुत ही अच्छा अच्छा ब्रांड है, और बहुत सारे सामान के साथ ब्रांड के साथ में यहाँ पर अभी मैं राउंड कर रहा हूँ। और कितना मशीन तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया यार, और ये मशीन क्या है, एक्सक्यूज मी, ये मशीन क्या क्या काम करता है, इसे ये क्या चीज़ है, ये शटर है, शटर। सो इसका काम क्या होता है? हम अंडा लगा के बच्चे निकालते हैं इसमें। अच्छा, अंडा निकाल के बच्चे निकालते हैं, हाँ हाँ हाँ। 29 डेज को। अच्छा, तो जो हम लोग मुर्गे खाते हैं यार, मुर्गे खाते हैं, तो ये जो मुर्गे निकालते हैं अंडा डाल के मुर्गे निकालने वाला मशीन। तो मैं अभी सब जगह घूमने के बाद, सब सामान मशीन वगैरह देखने के बाद में अभी
ये देख सकते हो बड़ा बड़ा तंबू बढ़कर लगा हुआ है यहाँ पर, बहुत सारे टेंट में लगा हुआ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से पूरा मेरे पीछे की ओर पूरा राउंड घुमा के देख सकते हैं आप लोग। और उधर से लेके यहाँ तक बहुत सारे क्राउड यहाँ पर देखिए आप लोग, बहुत बड़ा एग्जीबिशन, क्योंकि यहाँ पर एशिया का लार्जेस्ट एग्जीबिशन है पोल्ट्री का, तो यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा पोल्ट्री फार्म का हो गया, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे था यहाँ पर। तो दोस्तों ठीक है, आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और द लव इन गोरखा जोजो के साथ बने रहे हमेशा। तो ये कहना चाहता हूँ आप लोग को, सबको प्यार बरकत रहे, और ना भूले बेल आइकन, साइड का बेल आइकन दबाने के लिए टिंग टिंग करके बजा दीजिए। और आप लोग यही बोलना चाहता हूँ दोस्तों, तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर फिनिश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी थक चुका हूँ। तो बाय मेरे दोस्तों, बाय बाय, किक किक बोलते बोलते आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ। तो टेक केयर ऑल माई फ्रेंड, बाय बाय।